रघुनंदन गेस्ट हाउस। चलिए ये वीडियो अगर कोई आके दिखाएगा तो उसे डिस्काउंट दे दीजिएगा। ठीक है अंकुर, बाय बाय। रामलला जी, ये रोज दर्शन में रामलला जी के करता हूँ, इनका नाम ही रामलला है। कितने का होता है ये रुद्राक्ष? जिमें सानू पहले दिन नजर आया 22 तरीक नू, 23 तरीक नू, 24 तरीक अज भी उस तरीके का ही उत्साह तुम्हें इतने नजर आ रहा होगा। जा रहे हैं अंकुर रामलला, और आपका नाम? जय श्री राम। जय श्री राम जी। मिश्रा जी, तो मिश्रा जी मैं इन्हां दे होटल दे विच रुकिया होया सी। मिश्रा जी होटल का नाम है रघुनंदन, रघुनंदन गेस्ट हाउस। चलिए ये वीडियो अगर कोई आके दिखाएगा तो उसे डिस्काउंट दे दीजिएगा। 100% रहेगा सर। बता दीजिए कितना डिस्काउंट देंगे? जो आपकी इच्छा। चलिए 10-20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जब भी आप यहाँ आओगे, और सामान मेरा रेडी है। ठीक है अंकुर, बाय बाय। रामलला जी, ये रोज दर्शन में रामलला जी के करता हूँ, इनका नाम ही रामलला है। तब 2 दिन दे वधिया मौसम, सूर्यदेव के दर्शन हुए 2 दिन, और उस तो बाद एक बार फिर तो जड़ा तुसी देखो कि धुंध का मौसम है, सवेर का समा है अयोध्या नगरी दे विच, पर उत्साह उस तरीके नाल ही है जिवें सानू पहले दिन नज़र आया 22 तरीक नू, 23 तरीक नू, 24 तरीक है अज भी उस तरीके का ही उत्साह तुम्हें इतने नज़र आ रहा होगा। अज भी सजावट है, इन्होंने हटाया नहीं गया, स्पीकर लगे हुए हैं, हटाया नहीं गया। 48 घंटे करीब करीब पूरे प्राण प्रतिष्ठा के समागम हो चुके हैं, पर मैं इस करके दिखा रहा, आम तौर पर नाल दी नाल हटा दिता जाता है। 24 तरीक की सवेर राम जन्म भूमि के अगे दस्वीर तुम देखो, और हूँ भी इस उस तरह इतने उत्साह है, उस तरह तुम कह सकते हो कि लोगों की भीड़ जुटी हुई है दर्शन करने के लिए, श्रद्धालु पहुँचे हुए ने। असं बिल्कुल राम जन्म भूमि के अगे हैं इस समय। थोड़ा जि व्यवस्थित किया गया पिछले कुछ घंटों तो, या कही कि 23 तरीक न एक बार स्थिति बहुत आउट ऑफ कंट्रोल लग रही थी, उस तो बाद स्थिति कुछ सैटल डाउन हुई नज़र आ रही है। हाँ, हूँ दर्शन करने हो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आराम नाल दर्शन हो सकेंगे। पहला इतने बहुत ज़्यादा भीड़ सी, तो उस समय तुम कह सकते हो कि दिक्कत बहुत ज़्यादा सी, और हूँ थोड़ी स्थिति जरूर तुम देख पा रहे हो, भीड़ तो बहुत है, अलग अलग थावान तो लोग पहुँचे हुए हैं। राम जन्म भूमि दी तस्वीर वो असं तुम दिखा रहे हैं, जो इतने बिल्कुल फुल वाला गेट बनया हुआ सी फिलहाल हटा दिता गया। उस तो बाद तस्वीर तुम देखो, भीड़ अज भी नज़र आ रही है। अज थोड़ा जि व्यवस्थित हो गया काम, कल शायद पुलिस को इतना जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने उम्मीद नहीं सी कि इन्नी वड्डी गिणती च लोग पहुँच जाएंगे, अज जिहड़ा कंट्रोल दे विच काम है, श्रद्धालु आ रहे हैं अंदर मत्था टेकण दे लई जा रहे हैं, और तादाद बेशक बहुत ज़्यादा है हुण भी, पर यह है कि जरूर बहुत लंबी लंबी दूर तो लाइना बनवा दी गई पिछे तो तुम कह सकते हो, उस वाले पासे तो अगे आते हुए एक एक दो दो करके अज जिहड़ी लाइन है चलती जा रही है। कल थोड़ा जिहा कंट्रोल करन च मुश्किल हो रही थी, लखां लोगों ने कल मतलब 23 तरीक नूं मत्था टेक लिया, और अज स्थिति कुछ वक्री है। बाहरों आए लोग लड्डू नाल लैके आए हुए हैं, लड्डू वंडे जा रहे हैं, और ये तस्वीर असी लगातार देख रहे हैं, जिस दिन तो इतने आए हुए हैं उस दिन तस्वीर देखने की कोशिश कर रहे हैं, लड्डू खवा के लड्डू वंड के प्रभु राम के मंदिर बनने की खुशी मनाई जा रही है। असं अयोध्या तो रवाना हो रहे हैं, पर तुम उस थान पर भी लेके जाना जिते रोज़ाना असं कुछ ना कुछ खाने के लिए पहुंचे, तो अयोध्या हो तो इतने जरूर आ सकते हो। ये मौर्य मिष्ठान भंडार है, काफ़ी फेमस है, बहुत पुराना नज़र आता है। मेरी इन्होंने गल हुई तो यह 4th पीढ़ी इन्हों की इतने काम कर रही है, और काबिल गौर है इतने दही जलेबी मिलती है। तुम पंजाब नहीं सुनया होगा कि दही जलेबी, समोसा कचौरी जिसनों इतने खस्ता कहा जाता है, जलेबी दिख रही है तुम्हें, दही जलेबी मिलती है और रबड़ी जलेबी भी मिलती है, दोवें चीज़ा मिलती हैं। दही जलेबी थोड़ा डिफरेंट कॉन्सैप्ट जरूर है, पर बहुत लोग इतने खाने तो ये दही जलेबी, सिर्फ जलेबी ले ही इन्होंने, कोई खस्ता ले रहा कोई जलेबी ले रहा।
ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਅਗਰੇਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜੈ ਘੋਸ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਏ ਨੇ महिला रुद्राक्ष बेच रही है कितने का होता है ये रुद्राक्ष ये जोरा का बनता है 200 रुपया पंच जी अच्छा अच्छा दो मिलेंगे 500 रुपए में एक 300 रुपए में दो मिलेंगे ये आप कहां से लेके आते हो इस ब्लॉग दे विच तुहानू एक होर चीज दिखाने हैं पिछले कुछ दिनों तो असीं अयोध्या दे विच हैं ते इन्हां झंडियां ने खूब चरचन लगाया खूब जिहड़े इह ध्वज है भगवे रंग के जय श्री राम राम जी की तस्वीर इस उत्ते बनी हुई है खूब चर्चा का विषय रहा देखो इतने विक्री के लिए भी ने और एक तरीके नाल डिस्प्ले की गई है तो वह पूरे माहौल में होर भक्तिमय भी करते हुए नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक देखो झंडे तुम लगे हुए नज़र आएंगे लोगों के हाथ के इतो श्रद्धालु लैके निकलते हैं घर के उपर वो पिछे तस्वीर तुम नज़र आ रही हो हर जगह तो ये तस्वीर जेडे हज विक दे इथे तो खूब बेबी चार चार इन्हें लगाए इस करके तस्वीर भी ये सारिया दुकाना ने इथे इथे लोग आके खरीदते हैं और फिर उस तो बाद जो अंदर मंदिर मत्था टेकन जा रहा हूँ उत्थे भी यह झंडा लेके जाते हैं बहुत सारे ने अपनी कार ते बाइक ते हाथ दे विच फड़िया हुंदा है झंडा अयोध्या नगरी के रंग आने वाले दिनों भी इस तरीके नजर आने इतने हर जो भी लोग पहुँच रहे हैं श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उन्होंने उत्साह लाजमी तौर पर बहुत जबरदस्त है और उसकी तस्वीर ये दिखा रहे हैं असं इस ब्लॉग के जरिए भी और खूब उत्साह इस समय जोड़े लोग ने उन्होंने नज़र आ रहा है अयोध्या नगरी तो असं निकल रहे हैं और बाहर जाते हुए दस्वीर बहुत तादाद दे विच लोग जिहड़े श्रद्धालुओं ने पहुँच रहे हैं और बिल्कुल तुसी कह सकते हो कि जिवें इकट्ठ पहला नज़र आ रहा सी हुण भी उवें नज़र आ रहे हैं तो सूर्य स्तंभ तुसी लगातार तस्वीरों के जरिए देखते रहे हो तो इतों ही जो वापसी होंगी है या कही कि जो आप अयोध्या नगरी तो बाहर जाना है तो उस समय भी यह सड़क के दोवें पासे बने हुए ने और लग रहा जिवें पुलिस के जिहड़े जवान ने RPF के जवान है वह भी हुण इतों हौली हौली करके रवाना हो रहे हैं जिमें पहला तादाद से उस दिन नालों काफ़ी घटी है पर अजे भी बहुत बड़ी गिणती जिथे पहुँच रहे श्रद्धालु इस करके ऑलरेडी फिलहाल भी इतने बहुत सारे अलग अलग जड़िया एजेंसीज ने उन्होंने जवान तैनात किए गए तो साड़ी वापसी हो रही है अयोध्या तो अयोध्या नगरी तो अयोध्या धाम तो चंडीगढ़ के लिए असं इतों पहला लखनऊ जाना है तो लखनऊ तो फिर दोबारा जिमें आए थे चंडीगढ़ के लिए असं रवाना होवोंगे पिछले 4-5 दिन अयोध्या दे विच प्रभु राम दे मंदिर दी उन्हां दे मूर्ति स्थापना दी प्राण प्रतिष्ठा दी जिहड़ियां झलकियां तस्वीरां असीं तुहाडे तक पहुँचाईयां लाजमी तौर ते एक बहुत इतिहासिक दिन होया और असीं उस इतिहासिक दिन च अयोध्या दे विच मौजूद सी लाजमी तौर ते एक वड्डा दिन पूरी दुनिया दे लई रिहा हो तां हुण असीं अयोध्या नगरी तों रवाना हो रहे तो अयोध्या नगरी तो साढ़े रवाना होने की हुण वारी आ गई है इसी पॉइंट तो असी अयोध्या नगरी के तुहानू दर्शन करवाए हैं जो शुरुआत की सी इस ब्लॉग के जरिए भी असी कोशिश की है कि आखिरी दिन जो असी इतने मौजूद से इस फेरी के दौरान तो उस दीयां तस्वीरां भी असी तुहाडे तक पहुँचा सकी खैर अलग अलग ब्लॉग असी बनाए दशरथ महल हनुमानगढ़ी के दर्शन तुहानू करवाए उस तो बाद कनक भवन सरयू घाट तो इस दे नाल नाल राम जन्म भूमि प्रभु राम दी भी दर्शन कराए प्रभु राम के मंदिर के सारे ब्लॉग तुसी कमेंट सैक्शन दे विच भी इत्थे देख सकोगे बाकी इस तरीके नाल असी कोशिश करांगे कि हर तस्वीर तुहाडे तक पहुँचाते रहिए मैनू मेरे सहयोगी अजय नू इजाजत दो फिलहाल दे लई जय श्री राम।